Hello and welcome to Padhai Pro. Today I am Ashni Kumar and we are going to do class 9, chapter 2 of history. This is question number 1. What were the social, economic and political condition before 1905? Yani ki Russia ke social, political or economic condition kya kya thi 1905 se pehle. To economic condition kya thi, hum ye dekhte hain. Economic conditions in beginning of the 20th century, 85% of Russia population was agriculturist. यानी कि जो economic condition थी वो क्या थी? Starting में 20th century के start होने में 85% थी जो Russia की वो agriculturist थी. यानी कि वो किसान थी जो agriculture पे depend थी Russia की. Russia was a major exporter of grains. यानी कि Russia जो था वो बहुत ज़्यादा export करता था grains को. Most of the industries were run by private industrialists. Yani ki jitni bhi factories thi aur jitne bhi matlab karkhane the wo sab private the, government ka bahut hi kam the. Is there were no limit of working hours for the workers. Yani ki wahan par factories ke andar working hours ki koi limit nahi thi workers ke liye. Workers did not got even minimum wages aur is और जो वर्कर थे वो मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलते थे, यानी उनको कम से कम पैसे भी नहीं दिए जाते थे ज्यादा काम के बदले भी. अब पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी? रशिया रूल्ड बाय तेजार वाज एन ऑटोक्रेसी. यानी कि रशिया जो तेजार के द्वारा रूल करी गई थी वो ऑटोक्रेसी थी. तेजार निकोपोलस सेकेंड वॉज ऑप्रेसिव एंड करप्ट रूलर. यानी जो तेजार निकोपोलस टू था ना वो बहुत ही बेकार और करप्ट रूलर था. सोशल कंडीशन क्या थी? अब प्रिविलेज्ड क्लास हैज गॉट स्पेशल राइट्स. यानी जो प्रिविलेज्ड यानी जो ऊपर वाली क्लासेस थी उनको बहुत सारे स्पेशल राइट्स मिले थे. वर्कर कंडीशन ऑफ वर्कर्स वाज वेरी पुअर. यानी कि जो वर्किंग कंडीशन थी वर्कर्स की वो बहुत ज्यादा पुअर थी क्योंकि उन्हें मिनिमम वेजेस मिलते थे जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था. वर्कर्स एंड पीजेंट्स वेयर बोथ डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस. यानी कि जो पीजेंट जो वर्कर थे उन दोनों को डिवाइडेड थे वो आपस में एक्सपीरियंस के बेस में. पीजेंट्स फ्रीक्वेंटली रिफ्यूज टू पे टैक्सेस एंड इवन मर्डर लैंडलॉर्ड्स. ये पीजेंट नहीं पीजेंट्स होगा. पीजेंट्स यानी कि किसानों ने रेंट देने से मना कर दिया, टैक्स देने से मना कर दिया लैंडलॉर्ड्स को और उन्हें मार भी दिया. सो ऑल दिस कंडीशन लीड टू डिमांड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. यानी उन सबको मिलके एक मांग करी गई कि हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए. रशिया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वर्कर्स पार्टी फॉर्म्ड इन 1898. जो सोशल रशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी थी वो 1898 में बनी थी बाय सोशलिस्ट, एक सोशलिस्ट के द्वारा जिसने मार्क्स के आइडियाज को फॉलो किया था. तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन. बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन 2. इन व्हाट वेज द वर्किंग पॉपुलेशन इन रशिया वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज इन यूरोप बिफोर 1917. इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन थी रशिया की वो दूसरी कंट्रीज की कैसे डिफरेंट थी 1917 से पहले. द वर्किंग पॉपुलेशन इन रशिया वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज इन यूरोप बिफोर 1917. यानी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन थी रशिया की वो डिफरेंट कंट्री मतलब अलग थी दूसरी कंट्रीज की यूरोप से बिफोर 1970 बिकॉज नॉट ऑल द रशियन वर्कर्स माइग्रेट फ्रॉम द विलेजेस टू वर्क्स. यानी कि सभी वर्कर्स माइग्रेट नहीं करते थे विलेज से वर्क के लिए. सम द इंडस्ट्रियल सेक्टर सम ऑफ देम कंटिन्यू टू लिव इन विलेजेस. यानी कि कुछ लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के कंटिन्यू किया अपने विलेज में ही रहकर और रोज एंड वेंट टू वर्क डेली टाउन्स. यानी कि और रोज काम करने जाते थे शहरों में. यानी इस पॉइंट का मतलब है जो वर्किंग पॉपुलेशन इसलिए डिफरेंट थी क्योंकि कुछ लोग तो अपने काम के लिए माइग्रेट करके चले गए थे जहाँ पर उनका काम था वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे
जो अपने ही विलेज में रहते और रोज काम पे जाते थे। और सेकंड पॉइंट है, दे वेयर अ डिवाइडेड ग्रुप्स, वहां पर कुछ डिवाइडेड ग्रुप्स थे ऑन सोशली एंड प्रोफेशनली, सोशली और प्रोफेशनली कुछ ग्रुप्स डिवाइड थे। एंड देन शो एंड देन स्लोली चेंज देयर ड्रेस एंड मैनर टू, जो ग्रुप्स डिवाइडेड थे सोशली और प्रोफेशनली, ये धीरे धीरे करके दोनों वर्कर्स के बीच में चेंजेस लाना शुरू कर दिया। ड्रेस के फॉर्म में तो आया ही आया और मैनर के फॉर्म में भी आ गया। मेटल वर्कर्स वेयर द एरिस्टोक्राफ्ट, यानी जो मेटल वर्कर थे वो एरिस्टोक्राफ्ट थे, यानी कि उनको ट्रेनिंग की जरूरत थी, उनको अच्छे से काम नहीं आता था। ऑफ द वर्किंग क्लास, जो वर्किंग क्लास के एरिस्टोक्राफ्ट थे, बिकॉज दे आर ऑक्यूपेशन डिमांडिंग मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। वो वर्किंग क्लास के एरिस्टोक्रेट्स थे क्योंकि उनकी ऑक्यूपेशन, यानी कि जो वो काम कर रहे थे, उन्हें वो अच्छे से नहीं आता था, उन्हें और ट्रेनिंग की जरूरत थी और स्किल्स की जरूरत थी। द वर्किंग पॉपुलेशन वॉज यूनाइटेड, यानी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो यूनाइटेड, यानी एक साथ आए सब लोग ऑन वन फ्रंट स्ट्राइक्स, और एक साथ आके उन्होंने एक साथ आए और उन्होंने स्ट्राइक करी वर्किंग कंडीशन के खिलाफ, कि हमारी वर्किंग कंडीशन बहुत खराब है, हम इतना काम करते हैं फिर भी हमें बहुत मिनिमम वेजेस मिलते हैं, और एम्प्लॉयमेंट ट्रेंसेसी के खिलाफ, कि हमें एम्प्लॉयमेंट मुश्किल से मिलती है, ऊपर से हमें काम में इतने कम पैसे दिए जाते हैं। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डिड द टजारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1917, यानी टजार की जो ऑटोक्रेसी थी वो हट कैसे गई थी, कोलैप्स कैसे हो गई थी। तो इसके मेन रीजन क्या क्या थे, हम पॉइंट्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 6 पॉइंट्स हैं, देखते हैं हम। पहले पॉइंट में द पीजेंट्स वर्क एज सर्फ ऑन लैंड, यानी पीजेंट ने मजदूरों की तरह काम किया था लैंड के ऊपर। मच ऑफ देयर प्रोड्यूस वेंट इन टू द हैंड्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स, यानी कि वो जितना भी प्रोड्यूस करते थे, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे, यानी जितनी भी फसल उगाते थे, वो लगभग पूरी लैंडलॉर्ड्स के पास चली जाती थी, और उनके हाथ में बहुत कम पैसे, यानी कि उनके पास बहुत कम चीज़ें आती थी, जिससे उन्हें बहुत ही घाटा हो जाता था। तो ये बहुत मेन की कारण था। ड्यू टू वेरियस ऑपरेसिव पॉलिसीज, यानी बहुत ऑपरेसिव पॉलिसीज की वजह से पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स, पीजेंट्स ने मना कर दिया रेंट्स देने से। एंड इवन मर्डर लैंडलॉर्ड्स, और लैंडलॉर्ड्स को मारना शुरू कर दिया। द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स वॉज वेरी डेप्रेबल, यानी कि जो कंडीशन थी वर्कर्स की वो बहुत ज़्यादा खराब थी, डेप्रेबल थी। दे कुड नॉट फॉर्म एनी ट्रेड यूनियन, और रशिया के अंदर एक रूल था कि वो कोई ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते थे, तो यानी कि वो ट्रेड यूनियन बना ही नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पर रूल बना हुआ था। ये भी एक बहुत मेन कारण था जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए थे और उन्होंने रिवॉल्ट किया। द इनसफिशियंट रूल ऑफ तिजार, यानी कि एक बहुत ही घटिया और बेकार रूल था तिजार का, तो ये बहुत मेन कारण है। टीचिंग ऑफ द कार्लमार्क्स ऑल्सो इंक्रीज, कार्लमार्क्स ऑल्सो इंक्रीज द पीपल टू राइज स्टैंड अ रिवॉल्ट, यानी जो कार्लमार्क्स की थिंकिंग थी, उसकी टीचिंग थी, उसने लोगों को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जिससे लोग सामने आए और उन्होंने रिवॉल्ट किया। डिफेट ऑफ रशिया अगेंस्ट जापान ऑल्सो बिकम द कॉज, यानी रशिया का हारना जापान के अगेंस्ट बहुत बड़ा कारण बना, क्योंकि लोगों ने सोचा कि यही सही टाइम होगा जब तजार की जो आर्मी है वो जापान से हार के बहुत कमज़ोर हो गई है, इसलिए हम अभी रिवॉल्ट कर देते हैं जिससे हम ऑटोक्रेसी को हटा सकें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वेयर द मेन चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द बोल्शेविक्स इमिडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रिवोल्यूशन, यानी क्या क्या मेन चेंजेस थे जो बोल्शेविक्स द्वारा लाए गए थे अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद। द मेन चेंजेस वेयर ब्रॉट अबाउट बाय द बोल्शेविक्स इमिडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन आर, द बोल्शेविक्स आर नॉट इन फेवर ऑफ एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी जो बोल्शेविक्स थे वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में नहीं थे। हेंस मोस्ट बैंक एंड द इंडस्ट्रीज वेयर नेशनलाइज, यानी कि जो प्राइवेट बैंक्स और प्राइवेट प्राइवेट इंडस्ट्रीज लोगों की थी ना, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वेयर ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट, तो इसलिए उन्होंने किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में नहीं किया, इसलिए उन सबको नेशनलाइज कर दिया, उसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बना दिया। लैंड वॉज डिक्लेयर
social property and peasants were size the land on which they work. यानी कि land को social property declare कर दिया गया और peasant को कहा कि जितने land पे तुम काम कर सकते हो उतना land तुम अपने हिसाब से size कर लो, यानी उतना तुम land ले लो. In urban areas, house were participated according to family requirements. यानी कि urban areas में, यानी कि cities में houses को participated कर दिया था उनके family requirement के हिसाब से. Aristocratic titles were banded to arrest the change Bolshevik. यानि कि aristocratic titles were banned. यानि aristocratic जो titles थे रशिया के अंदर उन्हें ban कर दिया गया था. And to arrest the change Bolshevik, और जो बदले हुए Bolsheviks थे उनको पकड़ने के लिए, उन्हें arrest करने के लिए new uniforms were designed. नई नई यूनिफॉर्म डिजाइन करी गई थी फॉर द आर्मी एंड द ऑफिशियल्स, आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए. बोल्शेविक्स पार्टी वाज रिमांडेड एज द रशिया कम्युनिस्ट पार्टी. यानी जो बोल्शेविक की जो पार्टी थी उसे रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी बना दिया गया था.